नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, किसानों के लिए राहत भरी खबर, भारत में इस दिन आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर खबर है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बंगाल में 21 मई को मानसून आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अगले दो हफ्ते में 27 मई से 2 जून के बीच केरल के ऊपर छा जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं बता दें कि उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर हल्का दबाव बनने वाला है। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में पूर्वी केंद्र में 22 मई से हल्का दबाव रहेगा, जबकि 24 मई को चक्रवाती तूफान के तेज होने की आशंका है। वहीं पर 26 मई की सुबह को उत्तर पश्चिमी दिशा में बंगाल की खाड़ी के निकट ओडिशा पश्चिमी बंगाल तट तक ये तूफान पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता है 50 लाख रुपए का मुआवजा, जानिए क्या है क्लेम का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर फट जाता है या गैस लीक होने की वजह से हादसा हो जाता है, तो आपके एक ग्राहक होने के नाते क्या अधिकार है यह आपको जानना जरूरी है। बता दें कि एलपीजी यानी कि रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती है। 50 लाख रुपए तक का यह इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट होने के चलते दुर्भाग्यवश हादसा होने की स्थिति में आर्थिक मदद के तौर पर है। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी या घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले दिनों में इन राज्यों में तेज बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में देश के करीब 14 राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इनमें से कुछ राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आमजन के बीच वैक्सीन की उपलब्धता को देखने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, ऐसे चेक कर सकेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर की सहायता से आप अपने इलाके में ये जान सकेंगे कि वहाँ वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह 9013151515 नंबर जारी किया है। घर बैठे अपने नजदीक में वैक्सीन का पता लगाने के लिए बस आपको एक मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप में इस नंबर पर जाकर अपने एरिया की पिन कोड को टाइप करिए और बस सेंड कर दीजिए। फिर उधर से आपको उस इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में आधिकारिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की राज्यों से बड़ी अपील, ब्लैक फंगस को लेकर किया यह बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकर माइकोसिस को एक अधिसूचित बीमारी बनाने का आग्रह किया है। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी मामलों की रिपोर्ट अब केंद्र को करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएनबी के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस घटा दिए हैं। इसकी जानकारी बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। अब पीएनबी के ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए कैश मंगवाने के लिए केवल 50 रुपए देने होंगे। पहले ये 60 से 100 रुपए तक लगती थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बढ़ते दबाव के बीच इजराइल ने रोके हमले, फिलिस्तीन के साथ सीज फायर पर बनी सहमति, दुनिया ने ली राहत की सांस। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। करीब 11 दिनों तक दोनों देशों में चले खूनी खेल के बाद सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस लड़ाई के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होती जा रही थी।
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लोगों में अब भी नहीं कोरोना का डर, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, 50% लोग अब भी नहीं पहनते हैं मास्क। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक स्टडी के मुताबिक 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं, जबकि 64% लोग जो मास्क पहनते हैं वे नाक नहीं ढकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर से करेंगे संवाद, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के नेताओं और अफसरों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठकों और कोरोना के खिलाफ संघर्ष को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में पीएम मोदी आज शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से जारी सूचना के अनुसार पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में फिर से बड़ा लॉकडाउन, जानिए पूरा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य के 36 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी है। अब इन शहरों में 28 मई तक रात में कर्फ्यू रहेगा। हालांकि दिन के समय में लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है और सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस की चिंता के बीच अब ब्लैक फंगस की दस्तक से इतने लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश आज भी जूझ रहा है। अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। यहाँ कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,76,070 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि के दौरान कोरोना से 3,874 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि राज्य में इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा विषय ब्लैक फंगस ही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा में 12 राज्यों को अलर्ट, 26 मई तक तट से टकराने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा सरकार ने 26 मई को राज्य के तट पर चक्रवाती तूफान आने की आशंका के मद्देनजर 12 जिलों के प्राधिकारियों को बृहस्पतिवार को सतर्क कर दिया है और कहा है कि वे हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने बताया कि ओडिशा को भारत मौसम विज्ञान विभाग का बुलेटिन मिला है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने का पूर्वानुमान जताया गया है, जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बीच जनता को लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के भाव, जानिए ताजा कीमतें। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश की जनता कोरोना की कहर से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को इस महामारी में लगातार महंगाई का झटका लग रहा है। देश में एक बार फिर तेल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 17 से 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल के दाम में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 19 पैसे बढ़कर 93.04 रुपए प्रति लीटर पर हो गया है और डीजल का भाव 29 पैसे बढ़त के साथ 83.80 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में आज पेट्रोल 99.32 रुपए तो डीजल का भाव 91.01 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं पर कोलकाता में आज 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 92.10 रुपए चुकाने पड़े तो डीजल के लिए 86.64 रुपए प्रति लीटर देने पड़े। भारत को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका, सरकार ने बोली ये बात। जी हाँ दोस्तों, भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को कोरोना टीके की 8 करोड़ डोज देने की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अमेरिका से संपर्क में है, लेकिन अभी तक भारत को मिलने वाली डोज की जानकारी नहीं है। भारत को 8 में से 6 करोड़ वैक्सीन देने की मांग उठ चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खांसी और छींक से सबसे ज्यादा फैलता है कोरोना वायरस, सरकार ने इस पर जारी की गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी उतनी ही जरूरी है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के दफ्तर की ओर से जारी
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी व्यक्ति की छींक और खांसी 10 मीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक वायरस फैलने का सबसे प्रमुख कारण है, इसीलिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। झारखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं जल्द हो सकती है रद्द, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला ले सकती है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला 1 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। महामारी के कारण CBSE और ICSE के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी पहले ही परीक्षाएं रद्द कर दी है। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।